बहुत खुशकिस्मत हां कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने पावन चरण छो स्थान अते श्री काली माता जी दे पावन स्थान पटियाला तो मैनू आपने पंजाब दौरे की शुरुआत करने का मौका मिलिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने पंजाब में बहुत समय बिताया है। यहां के खेतों में, खलिहानों में, सड़कों में खूब घूमा हूं। वो दिन मुझे बराबर याद रहते हैं कि साथियों के साथ बारादरी गार्डन में सुबह सुबह टहलना और जोड़िया भाटिया चौक में साथियों से गप मारना, सारी पुरानी यादें। और मैं देख रहा हूं आज मुझे काफी पुराने पुराने साथियों के दर्शन करने का भी अवसर मिला है। जब भी मैं पंजाब आता हूं, पंजाब से ये स्नेह और बढ़ जाता है। साथियों, देश में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और जनता जनार्दन ने मोहर लगा दी है कि फिर एक बार साथियों, एक तरफ आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का साहस, दूसरी तरफ इंडी वाले हैं जो आतंकवादियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। एक तरफ मोदी सरकार है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो कहता है कि आपकी कमाई आपके खेत खलिहान का आधा हिस्सा छीन लेगा। इंडी गठबंधन समाज को, देश को बांटना चाहता है, लेकिन मोदी भारत को विकसित भारत बनाना चाहता है। और इसलिए मैं आज पंजाब की धरती पर पंजाब के मेरे भाई बहनों से मैं आज आशीर्वाद मांगने आया हूं। गुरुओं की भूमि पर सर झुका करके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाई और बहनों, राष्ट्र रक्षा हो, आस्था और संस्कृति की रक्षा हो या फिर देश का विकास, पंजाब ने, साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया। और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे। और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई
90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे, हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। वो तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझसे जितनी सेवा हो सकी, क्योंकि गुरुओं की सेवा, इससे बड़ा कोई धनभाग नहीं होता है। आज करतारपुर साहिब कॉरिडोर आपके सामने है। हमारे सभी श्रद्धालु गर्व के साथ वहां जाते हैं। साथियों, हमारी सरकार ने लंगर को टैक्स से मुक्त किया। ये पहले भी ये सरकारें कर सकती थी। पहले हरमंदिर साहब में विदेशों से भक्त चंदा नहीं दे पाते थे, बार बार यहां से मांग उठती थी। दिल्ली में बैठी हुई सरकारें सुनने को तैयार नहीं थी। ये मोदी ने आकर के इसके नियमों में छूट दी और आज हमारे हरमिंदर साहब की सेवा दुनिया के किसी भी कोने में रहकर कोई कर सकता है। श्री फतेहगढ़ साहिब तो साहब जादे के शौर्य और शहादत का साक्षी रहा है। मुझे दुख है कि पंजाब में भी ऐसे लोग हैं जिनको इसकी कोई समझ नहीं है। पंजाब के अंदर इस महान त्याग तपस्या के लिए मैं पंजाब में रहा हूं। कई दिनों तक हमारी माताएं बहनें, हमारा परिवार व्रत रखता है, जमीन पे सोता है। कितना महत्वपूर्ण श्रद्धा का विषय है। लेकिन हिंदुस्तान में, केरल में जाइए उनको कुछ पता नहीं, तमिलनाडु में जाइए कुछ पता नहीं, आसाम में जाइए कुछ पता नहीं। इतना बड़ा त्याग और बलिदान, और मेरे देश के लोगों को पता नहीं है। ये मुझे बहुत खटकता था। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर बच्चे के दिल दिमाग में साहबजादों का बलिदान हमेशा हमेशा रहना चाहिए। किसी भी बालक मन के लिए इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। और इसलिए हमने वीर बाल दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल, कॉलेज, गांव कार्यक्रम करने की परंपरा खड़ी की है। अगर पंजाब के लोग भी इस काम को न समझ पाए तो इससे बड़ा चिंता का विषय क्या हो सकता है। आपको याद होगा, अफगानिस्तान में हमारे सिख परिवार संकट में थे। हम सभी को सुरक्षित वापस लाए। हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भी अदब के साथ मेरा मंत्री जाके सर पे सम्मान के साथ लेकर के आया। साथियों, ये प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, मेरा तो आपसे खून का नाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे, उसमें मेरा एक द्वारिका का पंच प्यारों में था जी।
मेरा आपसे खून का रिश्ता है। इतना ही नहीं, आज अगर जामनगर में जाएंगे तो वहां जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है, जिस जामनगर जिले में द्वारिका पड़ता है। गरीब का बेटा हर गरीब की चिंता करता है, हर जरूरतमंद को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा, इसके लिए मैंने मुफ्त राशन की योजना चलाई है। मोदी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है। मोदी ने जल जीवन मिशन शुरू किया है ताकि आपको घर में नल से शुद्ध पानी मिले। इससे प्रदूषित पानी से होने वाली अनेक घातक बीमारियों से हम बच पाएंगे। साथियों, पंजाब को 5 नदियों का आशीर्वाद मिला है। यहां के किसान मिट्टी से सोना पैदा करते हैं, लेकिन इंडी वाले किसानों से भी झूठ बोलते हैं। इन्होंने किसानों से एक वायदा किया, पूरा नहीं किया है। ये भाजपा है जो किसान कल्याण को प्राथमिकता देती है। बीते 10 साल में पंजाब से गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। 10 साल में हमने एमएसपी में 2.5 गुना वृद्धि की है। यहां पंजाब के हर किसान को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 30,000 रुपए, एक एक किसान को 30,000 रुपए मिल चुके हैं। केमिकल खेती से धरती मां को बचाने के लिए हमारी सरकार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दे रही है। साथियों, भारत तभी विकसित होगा जब पटियाला जैसा हमारा सेंटर विकसित होंगे। आने वाले 5 साल में भारत एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा लाभ पंजाब को और पटियाला जैसे शहरों को होने वाला है। हमने एजुकेशन सेक्टर को विदेशी संस्थानों के लिए खोल दिया। इससे विदेशी यूनिवर्सिटीज भी देश में कैंपस खोल रही है। इसका लाभ भी पटियाला जैसे एजुकेशन हब को होगा। ये तो स्पोर्ट्स का एक बड़ा सेंटर है। मोदी का संकल्प भारत को खेल महाशक्ति बनाने का है। और 2029 जब यूथ ओलंपिक होगा, 2036 जब ओलंपिक होगा, भारत तैयारी कर रहा है ये ओलंपिक हिंदुस्तान की धरती पर हो। और इसलिए खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च किया जा रहा है। भारत में ओलंपिक्स हो, इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इससे देश में स्पोर्ट्स इकोनॉमी का निर्माण होगा, नई नौकरियां, नए रोजगार बनेंगे। भाइयों और बहनों, 1 जून को आपको विकसित पंजाब के लिए, विकसित भारत के लिए वोट करना है। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन वालों के लिए अपने वोट बैंक का तुष्टिकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। बंटवारे से पीड़ित दलित भाई बहनों को, सिख भाई बहनों को मोदी भारत की नागरिकता दे रहा है। आप सोचिए, आजादी के इतने साल हुए,
मेरे सैकड़ों सिख परिवार है जिनको नागरिकता नहीं दी गई और आप थोकबंद वोट देते रहे, क्या पाया आप लोगों ने? सोचिए, साफ साफ बात करने वाला कोई मिलेगा नहीं आपको। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, ये लोग सीए का विरोध करते हैं, अगर सीए का विरोध करेंगे तो मेरे सिख भाई बहन जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अन्य देशों में प्रताड़ित होते हैं, वापस आते हैं, कौन संभालेगा उनको? मैं उसे मेरा कर्तव्य मानता हूं और इसलिए मैंने उनको नागरिकता देने का कानून बनाया है, वोट पाने के लिए नहीं बनाया है। और ये इंडिया अलायंस वाले देख लीजिए, सीए के नाम पर दंगे कराए और ये आज भी कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे तो सीए को खत्म कर देंगे। आप मुझे बताइए, क्या बंटवारे के पीड़ित सिखों को भारत की नागरिकता देना गलत है? क्या देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मोदी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? साथियों, गुरुओं ने हमें सामाजिक न्याय की सिख दी है, इसलिए भाजपा दलितों, पिछड़ों के सच्चे सामाजिक सशक्तिकरण पर बल दे रहा है। मोदी ने देश और दुनिया में बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित पंचतीर्थ मनाए हैं। संत रविदास के अनुयायियों का तो बार बार मुझे बनारस में स्वागत करने का अवसर मिलता है और अभी मध्य प्रदेश में जहां हमारी सरकार है, संत रविदास जी का भव्य मंदिर बना रहे हैं हम। काशी में संत रविदास जी की जन्मस्थली का विकास किया जा रहा है और इसलिए मैं आज पंजाब की धरती से, मेरी ये पहली चुनाव सभा से, सभी पंजाब के नागरिकों को आग्रह करता हूं कि हमें पंजाब को बदलना, हमें पंजाब को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, हमें पंजाब को वो पुराना गौरव वापस लौटाना, और ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है। मैं आपका साथ चाहता हूं, मैं आपके आशीर्वाद चाहता हूं और मैं आपको वादा करता हूं, ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए, 24/7 फॉर 2047, ये मोदी की गारंटी है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।